आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए खुशखबरी है, आज हमारे स्टूडियो में आया बहुत ही खास मेहमान, ठीक है, सुनील गोयल जी। ठीक है जी, सुनील गोयल जी हमारे चंडीगढ़ से आए हैं। सुनील गोयल जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और एक बहुत ही अहम मुद्दे पर डिस्कशन करने के लिए सुनील गोयल जी को हमने बुलाया है। सुनील गोयल जी, मुद्दा बहुत ही गंभीर है, अगले 10-15 दिनों के लिए तो बहुत गंभीर है ये मुद्दा। हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, हम बात कर रहे हैं क्लाइंट से फीस लेने की। आप चंडीगढ़ से आते हैं सर, हम बैठे हुए दिल्ली में, तो कई बार एक गैप रह जाता है कि भाई टायर 1 सिटी, टायर 2 सिटी, ठीक है, या कोई और भी जो छोटे शहर में है, तो वहाँ पर ना एक फीस का मुद्दा रह जाता है कि भाई क्लाइंट से कितनी फीस ले। ऐसा पास्ट में देखा गया है कि किसी क्लाइंट से ना 5-5 साल से सेम ही फीस आ रही है। इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन फीस रिवाइज नहीं हो रही। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिस्कशन का पॉइंट है, चाहे हम टैक्स ऑडिट की फीस ले ले, चाहे GST ऑडिट की फीस ले ले। तो मैं जानना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ जैसे शहर में, पंचकुला जैसे शहर में, ठीक है, या मतलब कि हरियाणा के किसी शहर में या पंजाब के, इन शहरों में जो टायर टू टायर सिटी है, उसमें फीस कैसे ली जाए। क्योंकि वहाँ पर तो मैंने देखा एक बहुत ज़्यादा भाईचारे वाली बात हो जाती है, सारे क्लाइंट्स रिलेटेड हो जाते हैं, वही क्लाइंट्स बार बार आना है, कोई नए क्लाइंट्स का आना इतना ज़्यादा नहीं होता। हमारे पास तो ये क्या है कि चलो भाई क्लाइंट्स चेंजेज होते रहते हैं, यहाँ पर इतने रिलेशंस को मेंटेन नहीं करते, यहाँ पर मेन पैसे को देखते हैं, ठीक है, कई बार ऐसा देखा गया है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आपके शहर में भी ये दिक्कत होती है क्या। कोई बिहार से है, कोई गुजरात से है, कोई बड़े शहर से, कोई छोटे शहर से, तो ये बड़ा चैलेंजिंग काम है, तो इसके बारे में आप गाइड कीजिए कि ये इसे कैसे किया जाए। कपिल सर, बिल्कुल सही कहा, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है किसी भी प्रोफेशनल के लिए जी। और ये सिर्फ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब ही नहीं, पूरे भारत का मुद्दा है। बिल्कुल, क्योंकि हमें कहीं भी ट्रेनिंग में ये नहीं सिखाया जाता कि मार्केटिंग कैसे करें, फीस कैसे नेगोशिएट करें। और एक CA जो होता है वो इतना हम्बल होता है, इतना डाउन टू अर्थ होता है, वो अपनी पढ़ाई और अपडेशंस में इतना बिजी रहता है, ये सब सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक। और इन्हीं सब चीज़ों में हमने, जब हमारी टीम ने सर्वे की, तो हमें पता लगा कि पिछले 10 साल से ऑडिट इंडस्ट्री में फीस इंक्रीज ही नहीं हुई है। 10 साल से नहीं हुई है, पिछले 10 साल से। अरे, तो स्पेशली Tier 2, Tier 3 cities में, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि लिमिटेड क्लाइंट्स होते हैं, रिलेशनशिप इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, और इनफैक्ट जो अभी नए बच्चे आ रहे हैं वो तो भूल ही गए हैं कि एक्चुअल में ऑडिट क्या है। इवन क्लाइंट भी भूल गया और इस इल्यूजन में है, इस भरम में है कि सिर्फ स्टैंपिंग ही, एक CA से स्टैंप करवाना, लाइक नोटरी करवाना, ऑडिट है, टैक्स ऑडिट है। तो क्योंकि वो सब लास्ट टाइम पर आते हैं, लास्ट मोमेंट पे आते हैं, तो वाउचिंग, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पहले एक समय हुआ करता था हमारी आर्टिकलशिप के टाइम पर, तो हमें पता होता था कि हम क्लाइंट के प्लेस पे जाते थे, सारे परचेज बिल चेक करते थे, सारे सेल्स बिल चेक करते थे, खर्चे चेक करते थे, पूरा चिट्ठा बनाते थे 2-2, 3-3 pages का, फिर आके अपने ऑफिस में दिखाते थे, फिर उन क्वेरी को शॉर्ट आउट किया जाता था। मेरे हिसाब से तो लास्ट मोमेंट पर जो लोग आ रहे हैं, जो करा रहे हैं, तो वो तो कोई भी ये चीज़ें नहीं कर रहा। इसमें 2 factors हैं। देखो, बिल्कुल आपने सही कहा, हमारी रिसर्च टीम ने पिछले 2.5 साल में एक रिसर्च किया, और एक एक टैक्स ऑडिट पर जो बिल्कुल छोटी है, इंडिविजुअल लेवल की है, ऑन एन एवरेज 30 घंटे लगते हैं, 30 घंटे, 18 से 20 steps हैं उसमें, और 30 घंटे मिनिमम लगते हैं, वो भी तब जब पोर्टल बिल्कुल एक्यूरेट हो, क्लाइंट एक ही बार में OTP दे दे, क्लाइंट कोऑपरेट करे, सरकार का सिस्टम इफेक्टिव हो, हमारे सिस्टम सब ऑनलाइन हो, राइट। तो दूसरा क्या है कि एक तो 30 घंटे इसमें लगते हैं। सर, यहाँ पर मैं ना इस बात को हमारे सब्सक्राइबर को बताना चाहता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि 2 घंटे में हो जाता है टैक्स ऑडिट, 4 में हो जाता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप देखो, टैक्स ऑडिट में क्या है ना, कई स्टेप है सर, मान लो टैली का डेटा फाइनल करना है, बीजी का डेटा फाइनल करनी है, अब आप देखो क्लोज 40 आया है, तो आपको GST का इनपुट टैक्स क्रेडिट और वो सब वाउचिंग तो देखना पड़ेगा, एक्सपेंसेस जो किए उनके वाउचिंग देखने पड़ेंगे कि वो डाटा इफेक्टिव है नहीं है, एक्चुअल में है कि नहीं है। तो क्या होता है कि
अब कोस्ट इतनी कम है कि वो अपने एक एम्प्लॉई को भी नहीं रख सकता, अपने टीम को भी नहीं रख पहले सकता। अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो पहले जो 10 साल पुराना समय था उस टाइम पर हमें आर्टिकलशिप में मिल जाया करते थे पैसे, ठीक है, कई जगह पर कम पैसों में भी काम हो जाता था, 2000 में 1000 में। लेकिन आज की तो मैन पावर बड़ी कॉस्टिंग में, आपको आर्टिकलशिप में लड़के नहीं मिलेंगे। और जो आपके पेड स्टाफ है, ठीक है ना, तो पेड स्टाफ की मैं दिल्ली जैसे शहर की मुझे पता है कि कोई भी स्टाफ 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 से कमाई नहीं रहा है, तो आप कैसे मैन पावर की कॉस्टिंग निकाल पाएंगे? सर इसमें और भी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, ऑनलाइन डिजिटाइजेशन की कॉस्ट बढ़ गई कोविड के बाद, अब गवर्नमेंट भी बहुत सीरियस है कि इसको टैक्स कॉम्प्लायंस सोसाइटी बनाना है, तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम सरकार के साथ जैसे बाकी पिछले 75 सालों से चल रहे हैं कंधे से कंधा मिलाकर चले, और साथ के साथ सोसाइटी को भी अवेयर करें कि ये हमारी प्राइम ड्यूटी है ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भरना। टैक्स कब भरेंगे? जब ज़्यादा से ज़्यादा कमाई होगी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक। तो मैं सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप प्रोफेशनल फीस में 3 स्टेप थ्योरी को अप्लाई कीजिए। पहला डिसाइड, देन नेगोशिएट, देन रिकवर। राइट। तो डिसाइड करने में आप अपने फैक्टर, अपने शहर को देखिए, आपकी कितने मैन आवर्स लग रहे हैं, आपके क्लाइंट का कितना काम है, ठीक है। उसके बाद उससे नेगोशिएट कीजिए, शरमाइए मत। लोग कहते हैं यार आप तो सीए साहब हो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। दूसरा, हमारे पास टाइम इतना कम होता है, हम सोचते चलो यार कोई बात नहीं, नहीं, हमें प्रोफेशनल, बिल्कुल प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी और अवेयरनेस के साथ ये काम करना है, ठीक है। और सब कुछ लिख के दें, लिख के लें, नो ऑडिट, इफ़ आपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन नहीं की तो मतलब इसका मतलब आपने ऑडिट नहीं की। तो इसका मतलब आपको ये समझना होगा कि जैसे अगर आप फीस की बात कर रहे हैं तो आपका कोई जान पहचान का भी क्लाइंट है, कुछ भी है, तो आप क्या करें, कोटेशन बना लें, उसे समझाएं, अवेयर करें कि अब पूरा चेंज हो गया सिस्टम। हाँ। अब हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा यदि हमें ग्रोथ करनी है बिजनेस में, यदि हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ी, बीइंग अ प्रोफेशनल सीए की भी आपसे दुगनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। राइट राइट। तो हमें सिस्टम के साथ बदलाव, जैसे पूरी दुनिया बदल रही है, किसी ने नहीं सोचा था कोविड आएगा और इतना मतलब फास्ट हो जाएगा, इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, तो इसी हिसाब से हमें नीड के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। बिल्कुल। तो मैं जितने भी सिर्फ नॉर्थ ही नहीं, ये वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, साउथ, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, 1,00,000 के करीब चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो प्रैक्टिस में। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप टैक्स पेयर को अवेयर कीजिए कॉम्प्लायंस के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ताकि वो सब कुछ हमारे पास पहले से करके लाएं। और फीस, उससे जरूर फीस के बारे में बात करें। इस साल हमारे इंस्टीट्यूट ने भी 8 साल के बाद टैक्स ऑडिट गाइडेंस नोट को रिवाइज किया है। तो हमें भी फीस रिवाइज करनी चाहिए। तो हमारी सर ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ गई है, ठीक है, अभी हमें स्किलफुल होना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, किताबें पढ़नी पड़ेगी, क्लाइंट को पढ़ाना पड़ेगा। इसमें ना एक चीज को आपको समझना, 2-3 फैक्टर में वो एड ऑन करना चाहूंगा कि जैसे मान लो आप 1 करोड़ का आपने ऑफिस ले रखा है, आप उसमें अपनी प्रैक्टिस चला रहे, तो उस 1 करोड़ की भी तो कॉस्टिंग है ना। बिल्कुल। रेंट नहीं है तो, लेकिन 50,000 का आप मानोगे ना, अपॉर्चुनिटी नॉमिनल कॉस्ट आप मानोगे, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो आप उसकी कॉस्टिंग भी लगाइए, जो आपने पढ़ने में समय लगाया, जो पहला पढ़ लिया उसका समय, और जो आप किसी काम को करने में समय लगा रहे हो। सर एक और बात मैं बताऊंगा जी, जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ है हमारी लिटिगेशन कॉस्ट भी बढ़ गई है। अभी हमने गुरुग्राम केस से क्या सीखा? बिल्कुल। अभी MCA ने 200 नोटिस निकाले 200 CAs को। हाँ, ठीक है। देखो लाइफ इज फुल ऑफ इम्परफेक्शंस, कोई भी पूर्ण तो है नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी बीइंग अ प्रोफेशनल हमें उस चीज के लिए भी तो प्रिपेयर होना है। हाँ, कि कहीं कहीं हमसे चूक हो गई। हाँ, 0.001% तो वो कॉस्ट को भी तो कवर करना है। कोयले का बिजनेस कर रहे हैं तो कोयले के बिजनेस में हाथ काले हो रहे हैं हमारे। हाँ, ठीक है ना। तो अगर हाथ काले हो रहे हैं तो भाई फीस तो मिलनी चाहिए, कम से कम हाथ धोने के लिए साबुन तो खरीद ले अब। एग्जैक्टली। क्योंकि हमारा भाई एडवोकेट हमारा फ्री में केस लड़ने वाला नहीं है। हाँ, कोई भी है, चाहे कोई भी है, वो चीज है, बिल्कुल समझ में आती है बात। तो कहीं भी जाते हैं तो आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी कि फीस को लेकर गंभीर मुद्दा है। आप अपनी फीस को डिसाइड कीजिए, जितना काम करने में लगा रहे हैं आधा घंटा एक्स्ट्रा लगाए,
एक कोटेशन बनाए, वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको दे देंगे। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो केजे क्लासेस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। जो कोटेशन का फॉर्मेट है, कैसे हम क्लाइंट्स को बताते हैं कि हम तुम्हारा क्या क्या काम करेंगे, किस काम की कितनी फीस लेते हैं, तो हम वो आपको एक बार कोटेशन शेयर कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। सुनील सर, इसमें और कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? ICAI की जो मिनिमम रिकमेंडेशन है स्केल ऑफ फीस एज पर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी सिटीज, काफी लोग कहेंगे कि वो सही नहीं है या काफी इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है, उसे कोई फॉलो नहीं करता। लेकिन आप यदि उसको वर्कआउट करोगे तो वो एक रिसर्च के बाद बनाया गया पैटर्न है, और उसको कंपलसरी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि भारत में एक लोअर कंपटीशन एक्ट, तो वहाँ पे कंपलसरी नहीं हो सकता फीस। लेकिन जब आप अपने टाइमिंग के हिसाब से वो कोर्स निकालेंगे तो करीब करीब उसी के आसपास आपको मिलेगी वो सब चीजें ना। लेकिन एटलीस्ट कुछ तो स्टार्ट कीजिए, पहला स्टेप तो लेना पड़ेगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि ICAI वाली फीस रखो, लेकिन एक जस्टिफाइबल अपनी फीस लो जिससे आप एक अच्छा स्टेटस जी पाए। ठीक है, आपने इतनी मेहनत से CA करी है या उम्मीदें हैं, एजुकेशन मेडिकल सब इतना महंगा हो चुका है, लेकिन हमारा पिछले 10 साल से सर फीस मतलब एक सर्वे है ये। सही कह रहे हैं, पूरे इंडिया में ऑडिट इंडस्ट्री जो काफी सीए लोग मैंने एक चीज भी देखा है। और दूसरा मतलब एक 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 और इसमें बहुत गंभीर बात है, जो नए सीए होते हैं जो प्रैक्टिस में उनको इतना अनुभव नहीं होता, तो प्रैक्टिस में आते हैं तो क्लाइंट बड़े चतुर हैं, वो क्या करते हैं अपने पुराने CA से एडवाइस तो लेते हैं, लेकिन साइन कराने के लिए उन्हें कहते हैं भाई साहब हमारा कम फीस पे साइन कर दो, और उन्हें कहते हैं आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। तो आपको क्या कहना है या क्या सोचना है कि मुझे तो 50-60 ही ऑडिट करनी है ना, मुझे अपने 50-60 लोग मिल जाएंगे। सही बात है। तो आपको उसकी बातों में नहीं फंसना, उसको आपको अवेयर करना है, टैक्स एक इफेक्टिव एफिशिएंट टैक्स पेयर बनाना है। बिल्कुल नहीं, मैंने एक चीज़ और देखी, कई चार्टर्ड या कई प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, 10-10 साल की प्रैक्टिस हो गई, 15 साल की प्रैक्टिस हो गई, उसके बाद वो कह रहे हैं मज़ा नहीं है इसमें, और वो दूसरे बिजनेस में स्विच हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं, उसका रीजन भी आप समझे, नहीं तो जिस चीज पर हमने 10-15 साल लगा दिए। CA इतना वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट कोर्स है, और मतलब इतनी मेहनत करता है वो, और इतना स्किलफुल है, मतलब CA करना भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल आने से कम नहीं है भारत जैसे देश में। सही बात कह रहे हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा, तो थोड़ा सा फीस पे वर्क करना है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट डालकर हमें बताएं कि आपके शहर में क्या चल रहा है फीस का सिस्टम, कैसे आप फीस ले रहे हैं, और बताएं आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा। ऐसे ही हम अपने यूट्यूब चैनल पे गेस्ट को बुलाते रहेंगे। तो सुनील जी, इसमें कुछ और ऐड ऑन करना है? बस आप अपने रिजल्ट शेयर कीजिए और इस मुहिम से जुड़िए, और आप पहले हमें ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं, रेदर देन कि हमारा भाई दूसरा क्या कर रहा है, हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा है, या सरकार क्या पॉलिसी लेके आए, या ICAI क्या करे। भाई मैं छोटे से छोटा स्टेप क्या ले सकता हूँ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, और उसके बाद फिर हमसे 30 सितंबर के बाद KJ सर को बताइए क्या इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप कभी मेरे ऑफिस में आएंगे तो हमने छोटी छोटी चीजें कर रखी है, हमने लगा रखा है टेबल के ऊपर, नहीं बहुत सुंदर ऑफिस है, बहुत अच्छा ऑफिस है, 100% फीस इन एडवांस, अरे 100 लिखा हुआ है, 50 तो देगा ही एडवांस में। ठीक है, उसके साथ हमने अपना मैप लगाया हुआ है। देखिए हमारे वहाँ पे क्या है कि शहर इतने छोटे, मतलब इतना घनिष्ठ प्यार हो जाता है कि वहाँ पैसे की बात ही नहीं रहती। नहीं, लेकिन होने चाहिए, लेकिन घोड़ा घास से जारी करेगा तो खाएगा क्या। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। सुनील जी, मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ कि आप चंडीगढ़ से दिल्ली आए, हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी वीडियो हमारे को बनाकर दी, और हमारे सब्सक्राइबर के सारे सवालों के जवाब दिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं सुनील जी का, एक बार फिर से थैंक यू कपिल जैन सर, बहुत बहुत धन्यवाद।